सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं परफेक्ट साइज ऑफ फायर बटन के बारे में। सो यार, मैंने कल जब वीडियो बनाई थी ना परफेक्ट एम लॉक के बारे में, तो उसमें बहुत सारे बंदे बोल रहे थे यार उनको फायर बटन होता है उसमें कंफ्यूजन रहता है कि उनको फायर बटन का साइज कितना रखना चाहिए, तो यार उसके ऊपर भी वीडियो बना दो। यार मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दी जाए, और यार आप लोग मुझे कमेंट में जरूर से बता देना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर लाऊं। तो गाइस, आज की वीडियो में आप सभी को जो फायर बटन का साइज और पोजीशन बताने वाला हूं ना, अगर आप लोग भी अपना फायर बटन को वैसे कर लेते हो ना, तो आपके 90% चांसेस बढ़ जाते हैं शॉट लगने के। सो गाइस, अगर आपके पास ये 1 से लेकर 8GB तक के बीच में कोई सा भी फोन है, तो गाइस आपके लिए तो ये वीडियो और ज्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में सभी जितने भी रैम वाले फोन है ना, सभी का परफेक्ट साइज मैंने ढूंढ के लाया हूं आप सभी के लिए। और आज की वीडियो में आप सभी को उसका बेस्ट साइज बताने वाला हूं कि आपको फायर बटन का साइज कितना रखना है, उसी साथ साथ पोजीशन क्या रखनी है, जो आपका हेडशॉट होता है वो एकदम ज्यादा लगने लगे। तो चलो गाइस, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम सबसे पहले बात करते हैं 8 और 6GB रैम के बारे में। तो गाइस, अगर आपके पास इनमें से कोई फोन नहीं है तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं आगे और भी फोनों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। 1, 2, 3 और 4 के बारे में भी आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 8GB रैम और 6GB रैम के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हो फायर बटन मैं आपके सामने ला चुका हूँ, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके पोजीशन के बारे में। तो गाइस, जो एरिया आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, आपको इसी के अंदर इसको फायर बटन को रखना है, तो आप जहाँ भी चाहते हो उसको रख सकते हो। बस आपको जो मैंने बॉक्स दिखाया आपको इसी के अंदर रखना है, चाहे तो आप ऊपर चाहो तो ऊपर सकते हो, नीचे जाओ तो नीचे रख सकते हो। पर गाइस, 8GB रैम में वाला पोजीशन से कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा फायर बटन की, क्योंकि उसमें जो सेंसिटिविटी इतनी तेज होती है ना कि आप जो हल्का सा भी ट्रैक करोगे तो आपका हेडशॉट होता है बड़े आराम से लग सकता है। पर गाइस, मेन बात तो आती है 1, 2, 3 और 4GB रैम के लिए। और फायर बटन का साइज गाइस हमेशा जो आपको 60% रखना है, क्योंकि 60% बेस्ट रहता है। मैं बहुत ट्राई कर चुका हूं, मेरे पास यार 6GB और 8GB रैम के भी फोन है, तो मैं दोनों में ट्राई कर चुका हूं, तो 60% जब भी मैं रखता हूं ना, तो दोनों में हेडशॉट बड़े आराम से मेरा लग जाता है। तो भाई लोग, आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखना 60% में, अगर आपके पास 6GB या 8GB रैम का फोन है। और तो आप लोग मुझे एक बात जरूर बता देना कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाऊं कि हम कम जीबी रैम वाले फोन में अच्छे से वन टैप कैसे मार सकते हैं और उसमें फास्ट मूवमेंट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि गाइस यार, मैंने 8GB रैम वाले फोन पे अभी कुछ महीनों पहले ही शिफ्ट करा है, उससे पहले मैं भी एक लो एंड डिवाइस पे खेलता था, तो यार मुझे एक्सपीरियंस है कि कम जीबी रैम वाले फोन में भी कैसे हेडशॉट मार सकते हैं। गाइस, जो साइज मैं आपको बताने वाला हूं ना फायर बटन के लिए 1, 2, 3 और 4GB रैम वालों के लिए, तो वो तो 100% वर्क करेगा, क्योंकि गाइस इन सभी फोन में मैं पहले खेल चुका हूं और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इन फोनों में मुझे। और भाई लोग यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को जो लाइक नहीं करा है, तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर देना। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट जरूर से कर देना, क्योंकि हम फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पे लाते रहते हैं। तो चलो आप अपनी वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। तो भाई लोग, अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनके पास 3 या 4GB रैम फोन है, उनको अपने फायर बटन का साइज क्या रखना चाहिए और उनका अपना फायर बटन होता है वो कहां पर रखना चाहिए। सो गाइस, बेस्ट फायर बटन साइज जो 3-4GB रैम के लिए है, सो गाइस वो है 45%। सो गाइस, ये मैंने खुद यूज करके देखा, क्योंकि इससे पहले मेरे पास भी एक 3GB रैम का फोन था, उसमें गाइस मैं 45% अपने फायर बटन का साइज रख के खेलता था। वो गाइस उस टाइम पे जो मेरे हेडशॉट थे ना इतने ज्यादा लगते थे, मैं आपको बता नहीं सकता। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, हमारा फायर बटन की मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये जो मैंने आपको लाइन दिखाई ना फायर बटन से बना के, तो इन दोनों लाइन के आपको बिल्कुल मतलब जहाँ पे लाइन मीट कर रही है आपको वहीं पे रखना है। जैसे कि मैंने अभी आपको रख के दिखा दिया अपना फायर बटन, तो आपको सेम इसी जगह पे अपना फायर बटन रखना है, क्योंकि यहाँ से अगर आप ड्रैग करोगे तो आपको ज्यादा जगह मिल जाएगी ड्रैग करने के लिए। तो भाई लोग, अगर आपके कोई भी दोस्त है जो फ्री फायर खेलते हैं, तो उन लोगों के साथ भी यार जरूर से इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उन लोगों को पता चल पाए कि बेस्ट फायर बटन का साइज क्या होना चाहिए। सो गाइस, अभी बढ़ते हैं वीडियो के सबसे मेन टॉपिक की ओर, जो कि 1 और 2GB रैम फोन के लिए सबसे बेस्ट फायर बटन का साइज क्या होता है और उसके लिए बेस्ट लोकेशन क्या होता है। यार ये मैं बात जानता हूं कि ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं ना, उनमें से 50% लोगों के पास अभी तक 1 या 2GB रैम का ही फोन होगा। सो चलो गाइस, बिना किसी देरी के मैं लेके चलता हूं आपको गेम के अंदर। सो बेस्ट फायर बटन साइज जो है गाइस 1 और 2GB रैम फोन के लिए वो है 55%। अभी मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों। सो अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे जितना हम फायर बटन का साइज कम रखेंगे उतना ज्यादा हमारा हेडशॉट लगेगा। गाइस मतलब होता तो है, लेकिन ये होता है ना 1 और 2GB रैम वाले फोन की जो स्क्रीन होती है वो पहले से इतनी छोटी होती है, अगर मतलब फायर बटन का साइज और ज्यादा छोटा कर लोगे तो बहुत टाइम पे ऐसा होगा आपका जो फायर बटन होगा उस पर टैप ही नहीं होगा और आप बहुत बार ऐसे ही मर जाओगे, और इस टाइम पे आपको ग्लू वॉल लगाने में बहुत ज्यादा परेशानी आएगी। तो इसलिए मेरी मानो तो यार 55% रखना, और फायर बटन की लोकेशन होती है वो जितना नीचे रख सकते हो, मतलब आप जितना ज्यादा नीचे रखोगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको सेम बात है मतलब ज्यादा आपको जगह मिल जाएगी ड्रैग करने के लिए। और जिस जगह पे यार मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, अगर आप इस जगह पे रखते हो तो आपके लिए और भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो बस गाइस यार, आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।